हाय एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये जो दिखा रहा हूँ, ये वाशरूम का वाटरप्रूफिंग हो रहा है। हमारे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा कि वाशरूम को वाटरप्रूफिंग करने से क्या फ़ायदा होता है और इसको कैसे किया जाता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, सीपेज सीलन दिक्कत आती है, तो इस पर वही वीडियो पड़ती है, वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है, देखिए ये वाशरूम है, बिना नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। नए कंस्ट्रक्शन में अगर आप वाटर प्रूफिंग का काम करा देते हैं तो आजीवन आपके, जब तक आपका घर रहेगा, आपकी बिल्डिंग रहेगी, कभी भी आपके बाथरूम, टॉयलेट और वाशरूम की वजह से दूसरा कोई कमरा होता है वो ख़राब नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वाशरूम बनाते हैं, प्लास्टर करा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उस पर टाइल्स वगैरह, कोटा स्टोन, ये सब चीज़ें लगा लेते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहले क्या था कि पहले जो भी मटेरियल मिलता था बाज़ार में वो सब बढ़िया मटेरियल मिलता था, लेकिन आज क्या हो गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कैसा भी बिल्डिंग बनवा लीजिए उसमें क्रेक आ जाता है और सीलन सीपेज पूरे घर को ख़राब कर देता है। मेरा एक्सपीरियंस यह है, मैं खुद देखा हूँ कि पहले के जो घर बनते थे उसमें कंक्रीट वगैरह ये सब रेशियो बहुत अच्छा होता था और जो भी उसमें सीमेंट वगैरह बदरपुर पड़ता था उनकी क्वालिटी भी अच्छी आती थी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी उतना नहीं था, वाइब्रेशन कम था। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए कि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हो गया, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, इतने ज़्यादा मशीन हो गया कि पूरे शहर में वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। लेकिन एक बिल्डिंग जो हो, एक होता है जो घर होता है, ये एक अस्थिर एक जगह होता है और यह हल्का सा भी वाइब्रेशन पे इनमें चटकना और क्रैक आना ये सब शुरू हो जाता है। उसी लिए क्या होता है कि सीलन और सीपेज आपके घर में आने लगता है, छत पर आता है सीलन सीपेज, वाशरूम एरिया जो है उस पर ज़्यादा आता है। अगर आपका टॉयलेट है या बाथरूम या किचन या कुछ भी है तो उसमें सीलन सीपेज से दूसरा कमरा ख़राब होने लगता है। ये आमतौर पर होता है, हर घर में होता है, आप इसको रियलाइज़ किए होंगे। तो ये सीलन सीपेज जो होता है, इसको रोकने के लिए मात्र एक तरीका है, वाटर प्रूफिंग। आप वाटर प्रूफिंग करा लीजिए, सेवन कोटिंग वाटर प्रूफिंग बहुत ही कारगर होता है और सेवन कोटिंग फाइबर मेश के साथ में होता है। फाइबर क्या होता है कि जब फाइबर लग जाता है तो उसमें क्रैक वगैरह नहीं आता है और क्रैक और जो भी हमारा लिंटर होता है या जो दीवार होती है, आरसीसी दीवार हो या ब्रिक की दीवार हो, उसमें फाइबर उसको क्रैक आने नहीं देता है। जब क्रैक नहीं आएगा और वाटर प्रूफिंग केमिकल लग जाएगा, उस पर लेप लगता है सेवन कोटिंग का, तो सीलन और सीपेज नहीं आएगा। जो भी आप टाइल्स लगवाइए, टाइल्स के पहले ज़रूर आप वाटर प्रूफिंग करा लीजिए, कोटा स्टोन लगाइए उसके पहले भी करा लीजिए, नहीं तो आप लगा देंगे नए, एक से दो साल तीन साल चलता है, उसके बाद ऐसा सीलन सीपेज आता है, बार बार आप मिस्त्री को बुलाएंगे, प्लास्टर हटवाएंगे, फिर प्लास्टर कराएंगे, फिर ख़राब होगा, फिर पेंट, ये सब चीज़ें चलती रहती है। इसका एक ही निदान है, वाटर प्रूफिंग आप ज़रूर कराएं, अपने पूरे घर में कराइए जहाँ एक वाटर प्रूफिंग होता है। ये जो छत है आप देख रहे हैं, छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है, वाशरूम में वाटर प्रूफिंग का काम आपको दिखाया था, छत के ऊपर हो रहा है, टोटल सेवन कोटिंग फाइबर मेश के साथ में हो रहा है। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे मनोबल में वृद्धि होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दिखा दूँगा। जो इसकी कास्ट आती है, ज़्यादा ये महंगा नहीं होता। अगर आप लिंटर बनाते हैं या लिंटर कराते हैं घर को या घर बनाते हैं, टोटल घर का आपका 10% जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपका लिंटर का जितना खर्चा आया है उतने खर्चे का अगर 10% हम कैलकुलेट करें तो उसका खर्चा आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें,